अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास, हम प्रिंट कल्चर पढ़ रहे हैं और कल हमने प्रिंट के बारे में पढ़ा कि जब इंडिया में कब प्रिंट पहुंचा और इसके असरात क्या निकले और कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रिंट को अपने कंट्रोल में किया ताकि इनकी हुकूमत की इमेज जो है ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि इंडिया में अपना पहला प्रेस जो है कब शुरू हुआ, जिसको हम बंगाल गैजेट भी कहते हैं, और गंगाधर भट्टाचार्य ने उसको पब्लिश किया, जो एक क्लोज एसोसिएट था राजा राममोहन रॉय का। राजा राममोहन रॉय जो था एक सोशल रिफॉर्मर था, हिंदू सोशल रिफॉर्मर। तो आज हम देखेंगे कि प्रिंट ने जिस तरह यूरोप में एक चेंज लाई, लोगों के ख्यालात बदले, लोगों ने अब रैशनल और रीजनिंग लॉजिकली सोचने सोचा और रीजनिंग और रूल ऑफ लॉ की तरफ लोग अब बढ़ने लगे, क्योंकि बड़े बड़े फिलासफर्स की किताबें पढ़कर अब यूरोप में प्रिंट ने बहुत तब्दीली लाई। और यह लाजमी था कि पूरे वर्ल्ड में फिर एक चेंज आई प्रिंट की वजह से। जब मैगजीन्स आए, जब न्यूज़पेपर्स आए, तो लोगों के ख्याल अब ये शेयर होने लगे, इधर उधर से अब ख्याल, लोगों की एक्सप्रेशन जो थी ये अब आम हो गई। तो इस तरह से एक चेंज आई पूरी दुनिया में। अब इंडिया में चूंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी और कॉलोनियल गवर्नमेंट में यहाँ जब प्रिंट आया तो यहाँ भी प्रिंट की वजह से एक चेंज आई। इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान ही जब प्रिंट शुरू हुआ तो प्रिंट में बहुत से कुछ रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे और कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे। तो इस तरह से डिबेट और डिस्कशंस का एक सिलसिला बना, यानी देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस बिटवीन सोशल रिफॉर्मर्स एंड दीज रिलीजियस रिफॉर्मर्स। बहुत सी चीजें ऐसी थी कि सोशल रिफॉर्मर्स किसी चीज को, किसी इवल को, किसी चीज को जो सोसाइटी में राइज था उसको रिफॉर्म करना चाहते थे, इधर से रिलीजियस रिफॉर्मर जो थे वो इसका काउंटर करते थे, वो इस चेंज को इसका काउंटर करने के लिए वो पूरी जोर लड़ाते थे। और इस तरह से आम लोगों तक भी ये डिबेट्स और डिस्कशंस का ये माहौल बना और लोग जो हैं वो खुलकर अब बातें करने लगे रसूम के बारे में, कस्टम्स के बारे में, कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में जो लोगों के लिए कुछ चीज़ें ठीक थी सोसाइटी में, कुछ चीज़ें ठीक थी और कोई चीज़ ठीक नहीं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसा माहौल बना प्रिंट की वजह से, और ये चीज़ें फिर न्यूज़पेपरों में भी, प्रिंट में भी आया और पब्लिक डिबेट्स भी इस पर हो गए और लोगों ने खुलकर इस बारे में बातें करनी शुरू की। और इसी में हम देखते हैं कि इंडिया में ये राम मोहन रॉय जो था, जो कल भी हमने सुना कि ये जो बंगाल गैजेट था, बंगाल गैजेट का जो गंगाधर भट्टाचार्य जो इस राम मोहन रॉय का एक क्लोज एसोसिएट था, इसका बहुत करीब साथी था, तो ये एक सोशल रिफॉर्मर था, ये बहुत से एवल्स को सोसाइटी से खत्म करना चाहता था। तो इस तरह से ये राम मोहन रॉय जो है इसने एक पेपर निकाला जिसका नाम था संबद खामदी
संबत खोमदी, एक पेपर इसने निकाला और इसमें इसने इन चीजों को इजहार किया। इस पेपर को पब्लिश करने के बाद इस पेपर को इसने 1821 में पब्लिश किया। और इस पेपर को देखकर जब ये पेपर जो है पब्लिश हुआ और आम लोगों तक ये पहुंचा, और बहुत से ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू इन्होंने इसके साथ इख्तलाफ किया, और इन्होंने राम मोहन राय के ये जो ओपिनियंस थे, इसके जो रिफॉर्म्स थे, इसके जो ख्यालात थे, तो इसके साथ ऑर्थोडॉक्स हिंदू ने, यानी हिंदू के जो मुस्लिम हिंदू के जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं और जो एक्सपर्ट हैं हिंदुज्म में, तो जो हिंदुज्म को जानने वाले हैं, इसको इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उन्होंने इसकी ख्यालात के साथ इख्तलाफ किया और इन्होंने इसका काउंटर किया। और इसका काउंटर करने के लिए उन्होंने एक नया पेपर निकाला जिसको वो समाचार पत्रिका के नाम से इन्होंने पब्लिश किया, समाचार पत्रिका। राजा राम मोहन रॉय की ओपिनियंस को अपोज करने के लिए, उसको उसका काउंटर करने के लिए उन्होंने समाचार पत्रिका लिखा। तो इस तरह हम देखते हैं कि रिलीजियस रिफॉर्मर्स और सोशल रिफॉर्मर्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक आर्गुमेंट और डिबेट्स हो रहे हैं। और यहां जो है फिर ये जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिसेस थी जिनकी खिलाफ बातें हो रही थी। मसलन यहां हिंदुज्म में कुछ विडो इमोलेशन, यानी जब किसी औरत का शौहर मर जाता था, हस्बैंड मर जाता था, तो उसको फिर दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होती थी। तो ये एक जुल्म था, ये जो हिंदुज्म जो है इसमें इसको दूसरी शादी और इसको खुद को भी जलाना होता था। तो इस तरह से वो सती की रस्म है, इसी तरह विंडो इमोलेशन ये भी एक सोशल इवल माना जाता था। इसी तरह जो है आइडोल्ट्री, इसके इस पर भी कुछ सोशल फॉर्म हिंदू सोशल फॉर्मर्स ने इस पर भी बातें की। और ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, और इसके खिलाफ भी बातें होने लगी कि ये कुछ चीजें थी, मखसूस चीजें थी, और इन पर डिबेट्स और डिस्कशन हुए, और सोसाइटी में इन चीजों को कुछ चीजों को तस्लीम नहीं किया जाता था। और कुछ लोग आइडोलेट्री के खिलाफ मोनोथिज्म, यानी वन गॉड, हिंदूज में भी कुछ इसकी ये जो तलकीन करते थे वो आइडोलेट्री के खिलाफ थे और मोनोथिज्म की वो तालीम देते थे। और इस तरह से एक सोशल रिफॉर्मर्स और ये जो सोशल रिफॉर्मर्स और हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्मर्स जो थे, हिंदुज्म के रिफॉर्मर्स रिलीजियस प्रीचर्स जो थे, इनमें आपस में इख्तलाफ रहा। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1821 में राम मोहन रॉय का पहला न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुआ, संबाद खोमदी, और जिसको अपोज किया ऑर्थोडॉक्स हिंदू ने और समाचार पत्रिका से इसका काउंटर किया। और फिर जो हिंदूज में कुछ ऐसे कस्टम्स थे, उन कस्टम्स पर भी डिबेट्स और डिस्कशन हुए, वो ऐसे विंडो इमोलेशन थे, आइडोलेट्री थी, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड था, मोनोथिज्म। तो इस तरह से ये चीजें जो हैं हिंदूज में हमेशा इस पर डिबेट्स और डिस्कशन होते रही। और इसके साथ साथ दूसरे जो पर्शियन में भी बहुत से पेपर्स मंदिर अंपर आए इस दौर में, पर्शियन में
जैमी जहान नवा, ये पर्सन पेपर था। और दूसरा पेपर जो पर्सन में आया उसका नाम था शमसुल अकबर। ये पेपर जो है पर्शियन में 1822 में पब्लिश हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये न्यूज़पेपर्स आए और गुजराती गुजराती लैंग्वेज में इसी साल इन द सेम ईयर गुजराती लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर निकला जिसको बॉम्बे समाचार के नाम से टाइटल से निकाला जाता था, गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार। तो ये हिंदूज के बारे में और ये जो कुछ न्यूज़पेपर्स के बारे में कुछ ये जो प्रिंट के हवाले से जो शाया हो गई प्रिंट होने लगी। तो अब आगे क्या हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट थी और मुस्लिम रूल जो था ये डिक्लाइन हो गया था, ये कोलैप्स हो गया था। अब जो मुस्लिम्स इंडिया के मुस्लिम्स थे, इंडिया में जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, मुस्लिम उलमास थे, उलमास हम बोलते हैं यानी द पीपल लर्नड मैन ऑफ इस्लाम, उनको हम उलमा कहते हैं। तो ये उलमा जो थे नॉर्थ इंडिया के, ये नॉर्थ इंडिया में उलमा जो थे, इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ ये देखा कि ऐसा इनको थ्रेट महसूस हुआ कि जब यहाँ इस ये जो मुस्लिम रूल कोलैप्स हो गया तो इन्होंने समझा कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ये मत कन्वर्शन करेगी, यानी ये मत इंटरसेंस करेगी इस्लामिक लॉज में और ये मत पर्सनल लॉज में, मुस्लिम की पर्सनल लॉज में इंटरसेंस मत करेगी। तो इस हवाले से इन्होंने अब मुस्लिम उलमाज ने अब बुकलेट्स लिखे, इन्होंने लिथोग्राफ्स लिथोग्राफिक प्रेसेस का इस्तेमाल किया, लिथोग्राफ्स प्रेसेस। लिथोग्राफिक प्रेस, ये लिथोग्राफ्स प्रेसेस का मुस्लिम उलमा ने इस्तेमाल किया और इन्होंने इसके जरिए से छोटे छोटे बुकलेट्स और न्यूज़पेपर्स शाया किए और लोगों को ये एडवाइस किया, मुस्लिम्स को एडवाइस किया कि आप अपनी अपना कंडक्ट जो है वो इस्लाम के दायरे में रखना और कैसे आप कॉलोनियल गवर्नमेंट में अपने अपनी जिंदगी को अपने लाइव्स को बचा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बुक्स भी लिखे, बुक्स भी बुकलेट्स भी पब्लिश किए, न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश किए और लोगों को समझाया। और इसके साथ साथ फिर 1867 में एक बहुत बड़ा इदारा जो मुस्लिम्स का कायम होता है तो उसको हम कहते हैं देवबंद सेमिनरी। इन 1867 देवबंद सेमिनरी, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए देवबंद सेमिनरी 1867 में इसकी बुनियाद रखी गई। और इस तरह से फतवाज, फतवाज का मतलब है कि जहां इस्लामिक लॉ जो अगर कहें अनसर्टन है, कोई खास इस बारे में ये जो हमें वाजिया यानी क्लियर डिसीजन नहीं मिलता है तो इस बारे में जो है ये जो उलमाज हैं ये अपना ये जो अप्रूवल देते हैं कि वो शरीयत के स्कॉलर्स होते हैं, वो इसको समझकर अपने फतवाज देते हैं, उनको हम बोलते हैं लीगल अप्रूवल, किसी चीज को अप्रूवल वो देते हैं और एक बेंच लगता है और फिर में वो चीजें अप्रूव हो जाती हैं जो बिल्कुल सुन्ना और कुरान के बिल्कुल करीब होता है तो उसी को हम फतवा कहते हैं। तो 1877 में ये देवबंद सेमिनरी वजूद में आई और फिर इन उलमाज ने, इन मुफ्तीज ने मिलकर ऐसे फतवाज जारी किए, ऐसे ऑर्डर्स जारी किए शरीयत के हदूद के तहत अंडर द इस्लामिक लॉज। और ये फतवा इन्होंने जारी किए कि मुस्लिम्स को ये कहा गया कि आप अपनी जिंदगी को कैसे अपने आप को आप बचा सकते हैं,
कैसे आप इस्लामिक प्रैक्टिसेस को, इस्लामिक डॉक्ट्राइन को लोगों के सामने अच्छी तरह से खोल खोल कर इंटरप्रेट किया और इन्हें समझाया कि आपको इस्लामिक लॉज के अंदर अंदर ही जिंदगी गुजारनी है और ताकि कॉलोनियल गवर्नमेंट आपको मुतासर न कर सके। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदूज में जो है, हिंदूज में फिर न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर्स भी शाया हो जाते हैं कि अमंग हिंदूज एक 16th सेंचुरी तुलसीदास की एक टेक्स्ट बुक जो है, तुलसीदास की जो मशहूर टेक्स्ट बुक है जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं, रामचरितमानस, इसको पहली बार प्रिंट किया गया, इसको पहली बार प्रिंट किया गया, यह रिलीजियस इसको वर्निक्यूलर अपने वर्निक्यूलर लैंग्वेज में इसको प्रिंट किया गया ताकि हर जो इंडियन हिंदू है तो वो अपनी जबान में इसको पढ़ सके। वर्निक्यूलर लैंग्वेज में इसका ये जो इसका ट्रांसलेशन हो गया वर्निक्यूलर लैंग्वेज में, यानी रीजनल लैंग्वेज में, लोकल जबान में इसको ये जो ट्रांसलेट किया गया, ये फर्स्ट हिंदू एडिशन था रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास। ये 16th सेंचुरी बुक है, 16th सेंचुरी बुक, इसको 1822 में, 1800 इसको 1800 1810 में, इन 1810 इट वॉज पब्लिश्ड इन 1810 फर्स्ट बुक ऑफ 16th सेंचुरी हिंदू मजहब पर तुलसीदास की यह बुक जो है रामचरितमानस, इसको प्रिंट किया गया 1810 में। और इसके साथ साथ इसके बाद और भी कुछ एडिशंस आते हैं इसके, और दूसरे जो हैं, और इसके साथ साथ इसको कलकत्ता से पब्लिश किया गया, इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कलकत्ता, रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, फेमस बुक ऑफ 16th सेंचुरी रामचरितमानस, 1810 में इसको पब्लिश किया गया। और इसके बाद दूसरे जो ये जो न्यूज़पेपर्स आते हैं जो हिंदू हिंदू रिलीजियस के मुताबिक उन्होंने अपने रिलीजियस बुक्स को प्रीच करने की, पब्लिश करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ दूसरी जो मतलब एडिशंस आते हैं और बुक्स के, उनको हम कहते हैं या न्यूज़पेपर्स, नावल किशोर प्रेस, नावल किशोर प्रेस, नावल किशोर प्रेस, और नावल किशोर प्रेस के साथ साथ वेंकटेश्वर, नावल किशोर प्रेस लखनऊ से निकलता था, और ये जो वेंकटेश्वर प्रेस, वेंकटेश्वर बॉम्बे से निकलता था, ये प्रेस जो थे ये पब्लिश करते थे हिंदू हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स, और हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स वर्निकुलर लैंग्वेजेस में ये प्रेसेस जो हैं पब्लिश करते थे ताकि लोगों तक ये रिलीजियस बुक्स जो है ये पहुंच पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह रिलीजियस डिबेट्स और सोशल रिफॉर्मर्स और रिलीजियस ये जो प्रीचर्स हैं इनके दरमियान एक डिबेट और डिस्कशन का माहौल कैसे बना, और किस तरह से यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये जो न्यूज़पेपर्स और बुकलेट्स जो मंदिर अम पर आए ताकि लोगों को कॉलोनियल गवर्नमेंट के असरात से, इनके ख्यालात से लोगों को बचाया जा सके। वो आज के लिए ये काफी है।